आशा करता हूँ मैं आप सब तक पहुँच रहा हूँ, आप सब तक मेरी बातें पहुँच रही होगी। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी, आप सभी को सेवा 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 जोहार। मैं कृष्णा गोंड, प्रदेश प्रवक्ता बिहार, आप सबका आभार। साथियों, हर व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने समाज का उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। ज्यादातर ट्राइबल समाज के लोग ही अपने समाज के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व को नहीं निभा पाते। मैटर जो भी हो, या तो वो समझ नहीं पाते या तो वो समझना ही नहीं चाहते। यह अपने समाज में बहुत बड़ी कमी है। हमें अपने अंदर छिपी हुई इस तकनीकी खराबी को हमें खुद ही ठीक करना होगा। स्वतः ट्राइबल समाज के सभ्यता को अपनाना होगा, हमें खुद को बदलना होगा। यह अकेला भारतीय ट्राइबल समाज की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व की ट्राइबल समाज की समस्या है। हम इसे नकार नहीं सकते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे के संपर्क और सहयोग से ही आगे बढ़ सका है। इस प्रगति की कोई सीमा नहीं है। यह सहयोग, यह आपसी भाईचारा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। यही प्रकृति व्यवस्था है। साथियों, हम अपने और अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है वह हम बखूबी निभाते हैं। खुद के परिवार के अलावा हमारा एक और परिवार होता है, वह है हमारा अपना समाज। इस सामाजिक परिवार के प्रति हमारा कुछ दायित्व तो बनता है। बड़े-बड़े दावों के बावजूद हम छोटी आर्थिक सहायता पर भी एक नजर डालें। आखिर क्यों? मदद के समय हम अपने ही समाज के व्यक्ति के लिए पीछे हट जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमारी मदद बहुत बड़ी हो, 500, 1000, 2000 के अलावा हम छोटी रकम से भी मददगार साबित हो सकते हैं। न्यूनतम 10, 20, 50, यह छोटी सी सहायता बहुत बड़ी बन सकती है। एक बार हम करके तो देखें, इस छोटी सहायता से हमारी नाक नहीं कट जाएगी। आप सिर्फ अपना दायित्व तो निभा दीजिए। समाज के हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा जो सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के लिए के द्वारा की गई आर्थिक मदद की गुहार पर भी हमें नजर डालने की जरूरत है। फिर अपनी जिम्मेवारियां निभाना है, फिर बदलेगा अपना समाज, बदल जाएगा अपना समाज। हमें बहुत दुख है, मध्य प्रदेश GSU के पूर्व सदस्य विमल कुमार पंद्रे जी हमारे बीच नहीं रहे। प्रकृति के गोद में सो गए। शायद उन्हें हमारी प्रकृति देव से दुआ मदद की जरूरत थी। जिन कारणों से हम उन तक नहीं पहुंच पाए, हमें अपने अंदर की तकनीकी को भी सुधारना होगा। बाकी हमारा GSU शिक्षा के साथ साथ देश हित, समाज हित में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इसके लिए देश के राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के तमाम सदस्य जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सेवा जोहार। गोंडवाना का इतिहास इतना विशाल और गौरवशाली रहा है, जिसको
शायद लिखने के लिए बहुत बड़ी कलम की आवश्यकता होगी। इसी बात को ख्याल में रखते हुए छोटे पर्दों के साथ साथ हमें बड़े पर्दों पर काम करने की ज़रूरत है। यकीनन आज़ाद भारत 1947 तक भारत के 565 रियासतों में से अकेला 258 रियासत गोंडवाना का था। ये रियासतें भारत में विलय होने के बाद ही भारत देश आज़ाद हुआ था। गोंडवाना से भारत है, ना कि भारत से गोंडवाना। अपने देश और समाज से ही हमारी पहचान होती है। जिस तरह से हम निस्वार्थ भाव से अपने परिवार की सेवा करते हैं, उसी प्रकार अपने देश और समाज के प्रति जिम्मेवारियां बनती है। जिस समाज में हमने जन्म लिया और जहां हमें प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए अवसर व सुविधाएं प्राप्त हुई, उस समाज व देश के लिए हमें पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से अपने दायित्वों को निर्वाहन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। दैट्स ऑल। हम हैं GSU, हम हैं इंडिजिनस, हम हैं इंडिया। राज करेगा गोंडवाना।